हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी का सीन ये है, जैसे आज 11 अगस्त है, तो आज के दिन मैं पैदा हुआ था, आज मेरा बर्थडे है और आज रक्षाबंधन भी है। तो अभी मैं नहा के एक बार मंदिर जा गया था, तब तक मम्मी कर रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, आप पीछे देख सकते हो, और पापा खिला रहा है कुनाली को। तो मैं मंदिर जाता हूँ, तो सुबह करेंगे, शायद सुबह नहीं, बहन शाम को आएगी, तो दोनों चीज़ शाम को सेलिब्रेट करेंगे, रक्षाबंधन भी और मेरा बर्थडे भी। तो मैं आपको बताता रहूँगा आज मैं क्या करने वाला हूँ पूरा दिन। हे गाइस, तो फाइनली मंदिर से घर आ चुका हूँ और अब करता हूँ ब्रेकफास्ट। हे गाइस, तो अभी बज चुके 11:10 और अब हम जा रहे हैं मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि हाँ भाई, सूरज दोनों पिट्ठे ले लिए, कच्चा भी और ये पूरा फाइनल प्रोडक्ट मीठा पेठा भी। तो सूरज अब बनाएगा पेठे का जूस घर पे। चाबी मेरे पे है ना? हाँ, तो यहाँ पे ये हांसी में गब्बर पेठा भंडार, तो यहाँ पे पेठा भी आपको मिल जाएगा कच्चा, और जो मीठा पेठा है तो वो भी आपको मिल जाएगा, थोक में भी मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम घर की तरफ। हे गाइस, तो फाइनली दीदी घर पे आ चुकी है और अब करते हैं हम राखी की तैयारी। आप देखिए, दी मम्मी और ये गुलाली छुटकी आ गई, गुलाली की छोटी फ्रेंड आ चुकी है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये रही, इसको देख के ये खुश हुआ है, ये रही, ये छुटकी गाइस, तो फाइनली मैंने राखी बंधवा ली है और अब बारी है फोटो खींचने की और थोड़ी इंस्टा रील्स बनाने की। वो आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाके चेक कर सकते हो, सूरज नांगल वन नाम से इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। तो अभी का प्लान देखते हैं क्या कुछ बनता है, जैसे जैसे बनता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। हे गाइस, तो फाइनली अभी प्लान बना हमारा किले पे जाने का, तो चलिए मैं, बहन और जिज्जा जी चलते हैं अभी किले पे, दिखाता हूँ आपको ऊपर से नज़ारे पूरे हाउस। तो फाइनली गाइस, हम किले के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो अब जा रहे सीधा अंदर, देख सकते हो ऊपर से हांसी का व्यू। ये एम्प्टी तालाब, इसके पास ये थोड़ा सा जंगल टाइप एरिया बन रहा है, ठीक है। आप देखिए, ये ऊपर से पूरी हांसी ऐसे दिखती है आपको, हांसी के सबसे ऊंचे किले पे खड़ा हूँ फिलहाल मैं। आज वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज कुछ अमावस्या कुछ है, बाकी मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ पड़ा आज। तो चलिए चलते हैं, अब शाम होने वाली है, तो देख सकते हो किले पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फिलहाल एक्स जाके आ चुके हैं हम, अब चलते हैं मार्केट में कुछ सामान लेना है, उसके बाद घर चलते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ पड़ा आज, बिल्कुल ठंडा। हे गाइस, तो अब कर रहे हम जूस बनाने की तैयारी, जो सुबह पेठा लेके आए थे सफ़ेद, आप देख सकते हो, ये सेहत के लिए सबसे बेस्ट, मतलब बोल सकते हैं रामबाण है। तो अब इसको काटते हैं, छीलते हैं इसका छिलका और उसके बाद जूस बनाते हैं। ये भाई बना रहा है जूस, आप देख सकते हो, एक बार इसको राउंड काट लिया ऊपर से, अब इसके छिलका उतारा जाएगा, उसके बाद इसके छोटे छोटे पीस किए जाएंगे, जो कि मशीन के अंदर बड़े आराम से फिट हो सके, ठीक है। आप देखते हो गाइस, तो अब इसका जूस निकाला जा रहा है, ये आप देखिए, ये सिंपली इसका जूस निकल रहा है,
इसको पीते हैं। ठीक है, इसको फाइनली जूस बन के तैयार हो चुका, सफ़ेद बैठेगा, तो अब इसको पीते हैं। गाइस, तो अभी हम कर रहे हैं डिनर की तैयारी, 7:30 हो चुकी है, तो पनीर को फ्राई कर लिया और अब प्याज को फ्राई करते हैं। तो जब तक एक बार पनीर बनता है तब तक इंतज़ार करते हैं। हे गाइस, तो अब करते हैं डिनर, डिनर में पनीर और पूरी बनी है। हे गाइस, इस ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अगर चैनल पर